हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद वेस्पी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आजकल हम गांव में हैं और हमारा गांव जो है पोखरी गांव नाम है, और आजकल यहां पर जो है वो देव पूजन कार्य चल रहा है। इस देव पूजन कार्य के उपलक्ष्य में यहाँ की महिलाएँ, महिला मंगल दल जो है आज रास्ते की सफाई कर रही है। उसी में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कितनी यहाँ की महिलाएँ जो है कार्य में बढ़ चढ़कर जो है आगे हिस्सा लेती हैं और सभी कार्यों में सक्रिय रहती हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दिखाते हैं आपको। तो कुछ महिला मंगल दल की महिलाएं कुछ कहेंगी इस विषय में, जो आप लोग ये रास्ते की सफाई और ये झाड़ी झूड़ी निकाल रहे हैं। ऐसे होता है, ऐसे है। महिला मंगल दल की अध्यक्षा कौन है? मैं हूँ। हाँ, तो आप ही बोलो पहले। मैं महिला मंगल दल की अध्यक्षा उर्मिला धस्माना। हम अपने गांव में सफाई कर रहे हैं। कल वो निरंकार देवता की पूजाई हो रही है। पूजा हो रही है इन बोली। पूजा हो रही है और उसी के संदर्भ में जो है ये सफाई अभियान आप लोग कर रहे हैं, चल रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। और वैसे भी आप ये जो है गांव में, अभी पिछली बारी में जो है मेरे कुछ दोस्त इस गांव में आए थे, तो उन्होंने महिलाओं की जो है वो बहुत मतलब तारीफ की कि यहाँ की महिलाएं जो है वो सबको जो है नमस्ते। महिलाएं तो बहुत अच्छी है, हमारी तारीफ करने लायक है। महिला मंगल दल बहुत बढ़िया है, अच्छी है, कभी पीछे नहीं रहती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सामने डॉगी भी, चलो 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 चलो। नमस्कार, और चारों तरफ नज़ारा प्रकृति का नज़र आ रहा है। सुंदर पहाड़,
पेड़ पौधे हरियाली, और ये सामने हनुमान जी का मंदिर, और वहाँ पर स्कूल, और उससे ऊपर चलेंगे हम तो पहुँचते हैं दीवा मंदिर में, और आपको दिखाते हैं अभी दीवा मंदिर। सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं अगर थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये दीवा का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, और ये जंगल, और ऊपर जो मकान नज़र आ रहे हैं वो भी गांव है, कुंज गांव उसको बोलते हैं, और पोखरी गांव का ही वो हिस्सा है। आगे सामने गंगाऊं गांव, पोखरी गांव के अपोजिट साइड में ये गंगाऊं गांव बसा हुआ है, और जहां पर ये कटान आपको नज़र आ रहा है, यहां पर आजकल रामलीला चल रही है। रोज़ाना शाम को 9 बजे से रामलीला होती है, उसकी आवाज़ यहां तक, जो संवाद रामलीला में चलते हैं उनकी आवाज़ यहां गांव में सुनने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सुनसान एरिया है, तो आवाज़ गूंजती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।